केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले कितना चुनौतीपूर्ण था, खास करके आप दौरा करने पहुंचे हुए, इंस्पेक्शन करने पहुंचे हुए मुंबई की छोड़ से, क्योंकि 21 किलोमीटर भूमिगत होगी और पहला प्रोजेक्ट होगा जो सी टनल से गुजरेगा, और कनेक्टिविटी में जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि महा आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है भारत, तो बुलेट ट्रेन हमारे महा आर्थिक शक्ति बनने के लिए किस तरीके से मददगार होगा? आज दो साइट का इंस्पेक्शन किया, विजिट किया। पहला साइट जहाँ से अंडर सी टनल बनेगी विक्रोली से, और दूसरा जो BKC का स्टेशन है, दोनों ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइट्स हैं। अंडर सी टनल पहली बन रही है भारत में, बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, और जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को भी आत्मविश्वास के साथ पूरा किया जाए, वो स्पष्ट दिखाई देता है दोनों प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम जो है बुलेट ट्रेन का काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जो साइट की, वो BKC साइट की है। जो शुरुआत होगी बुलेट ट्रेन की, वो BKC से शुरू होगी और जो अहमदाबाद तक जाएगी। करीब 12 स्टेशन हो गए इस दौरान, और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो BKC की है। काम यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर मशीनरी है और मैन पावर है, उनको डिप्लॉय किया गया था। 2017 में इसका शिलान्यास हुआ था, और ये प्रोजेक्ट जो है भले प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हो, लेकिन इसमें काफ़ी चुनौती आई थी। अब तक इस प्रोजेक्ट को पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी इसका कार्य जो आप देख सकते हैं तस्वीर में वो चल रहा है। और जो केंद्रीय रेल मंत्री है वो यहाँ पर मुआयना करने पहुँचे थे, खास करके इस BKC स्टेशन का, क्योंकि काफ़ी चुनौतीपूर्ण यहाँ पर स्टेशन यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके निर्माण में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इंजीनियरिंग की बेमिसाल की बात करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसे अंजाम यहाँ पर अगर रेल मंत्री की माने तो उसे दिया जा रहा है। ये BKC स्टेशन काफ़ी आधुनिक होगा, ज़मीन से करीब 10 मंजिला ये BKC स्टेशन होगा, जहाँ से बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी, और ऊपर जो उसके 30 मंजिला जो इमारत की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर होगी। बड़े पैमाने में मशीनरी और मैन पावर को डिप्लॉय किया गया है, और खास करके मुंबई छोड़ से जहाँ पे 21 किलोमीटर भूमिगत होगी। हालांकि जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है वो अधिकतर एलिवेटेड होगी, लेकिन जो 508 किलोमीटर की, लेकिन जो शुरुआत की जो 21 किलोमीटर होगा मुंबई से कल्याण के लिए, वो भूमिगत होगा और इसकी शुरुआत जो यहीं से होगी। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, News 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।